हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों को पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में पार्ट नंबर 4। इससे पहले के 3 पार्ट आपको मिल चुके होंगे, संभवतः उन पार्टों में आपको जो है आवेश के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम के नियम का सदिश रूप और वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना के बारे में और भी जो है इसके बाद आपको शायद जो है एप्सिलॉन नॉट जो था उसके मान मात्रक तथा विमा आदि के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह आती है कि ये लेक्चर देखने से पहले आप उन पीछे वाले लेक्चरों को ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग जो है सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हमें इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जब तक आप पीछे की चीज़ें नहीं देखेंगे आपको आगे की बात समझ में नहीं आने वाली है। तो सभी लोग जो है उनको देखते रहें, पीछे के वीडियो सभी देखें और एक तरफ से उनके जो भी आपको बात बताई जा रही है उन सब बातों को एक नोट्स के रूप में लिखते रहिए, जिससे यदि कोई नई बात आपको यहाँ पर बताई जाती है और कन्फ्यूज़न रहता है तो आप तुरंत उस चीज़ को सबसे पहले पीछे देख लीजिए। यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप तुरंत उसको पीछे से जा कर के देख सकते हैं और उसके बाद आगे की बात में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप लोग आगे इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो इससे पहले जो हमने आपको बताया था, हमारी बात जो है समाप्त हुई थी एप्सिलॉन नॉट के मान मात्र तथा विमा पर। ठीक, यहीं तक जो है हमारी बात हो चुकी थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कूलाम की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कूलाम की परिभाषा हम लोग देते हैं या एक कूलाम क्या होता है, इस बारे में जो है हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक, तो भाई आगे की हेडिंग हमारी क्या रहेगी, कूलाम की परिभाषा। देखिए, जरा सबसे पहले बात तो यहां पर हमें यह समझ लेनी है कूलाम क्या होता है। ये सभी को पता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, चाहे वो आवेश धनात्मक हो या वो आवेश ऋणात्मक हो, दोनों प्रकार के आवेशों का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, इतनी बात आपको बहुत पहले से पता है। चलिए, तो अब हमें एक कूलाम के परिभाषा के बारे में पढ़ना है। देखिए, कूलाम की परिभाषा को हम लोग किस तरीके से देंगे आकर के। देखिए, ये जो हमने आवेश दो लिए थे Q1 और Q2, दो प्रकार के जो आवेश लिए थे, इन दोनों आवेशों को बराबर बराबर यदि हम मान लें, इन दोनों आवेशों को क्या कर दें, कहें दोनों आवेश कैसे हो जाएं भाई, हमारे समान आवेश हो जाएं, समान आवेश हों। ठीक, अच्छा, जब हमने कहा कि ये दोनों आवेश समान होंगे तो समान Q1 और Q2 ना मान करके हमने इसको क्या कह लिया, क्यों कह लिया, क्या कह दिया हमने इसको, क्यों आवेश कह दिया। अच्छा, अब क्या कहेंगे, देखिए, जो हमने विद्युत बल के बारे में फार्मूला जो विद्युत बल का पढ़ा था वो क्या था फार्मूला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r². क्या था, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², यही था ना फार्मूला। देखिए, अब हम लोगों को वही करना क्या है, सभी को पता है, बहुत पहले से बताया जा चुका है कि जो 1/4πε0 है इसका मान आपको बताया गया था कितना, 9×10⁻⁹, यही था ना। अच्छा, देखिए, हमने क्या कहा, अभी कहा था इन दोनों आवेश को जो है समान आवेश यदि हम मान लें, तो देखिए भाई, यदि हमने इनको समान आवेश मान लिया, Q1 = Q2 = Q मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, Q = जो है हमने उसको 1 कूलाम मान लिया,
इक्वल टू हमने क्या कर लिया इसको, एक कूलाम मान लिया। अच्छा, ये जो आवेश रखे जा रहे थे यहाँ पर, ये जो आवेश रखे जा रहे थे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को भी हमने कितना मान लिया, एक मीटर मान लिया। दोनों के बीच की दूरी को कितना मान लिया, एक मीटर मान लिया। अब जरा बात हमारी सुन लीजिएगा भाई, जब हमने इनके बीच की दूरी को भी एकांक मान लिया, यानी आर इज इक्वल टू भी हमने एक मीटर मान लिया, आवेश को भी हमने एक कूलाम मान लिया, और ये हमें पता है कितना होता है भाई, 9×10⁻⁹ होता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे आकर के, इसकी परिभाषा किस तरीके से देंगे, कहेंगे देखिए भाई ये क्या हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा एक कूलाम, ये क्या हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा। जहाँ पर F क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, क्या था, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक, इतनी बात फिलहाल आपको पता हो गई बहुत पहले से ही। तो यहाँ से देखते हैं भाई हमारा क्या बन जाता है, कहेंगे देखिएगा जरा यहाँ पर, F इज इक्वल टू इसका मान तो हो गया 9×10⁹ इंटू, ये तो हो गया हमारा दोनों मिलाकर के एक कूलाम, और ये दूरी भी कितनी हो गई थी, एक मीटर हो गई थी। ठीक, दूरी भी कितनी हो गई थी, एक मीटर हो गई थी। अब जरा बात यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे आकर के, देखिए ये भी एक कूलाम हो गया था, ये हो गया था एक मीटर, एक कुल मिलाकर के एक एक, इसका कोई काम तो रहा नहीं। तो F इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 9×10⁹, और अगर मात्रक यूज करें तो उसका मात्रक था कूलाम स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो गया था, मीटर स्क्वायर, और या फिर हम इसका मात्रक रख ले आकर के भाई क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। तो परिभाषा देखना अब हमारी क्या बन जाती है, जरा ये बात हमें समझ लेना हमारी परिभाषा क्या बनेगी, कहेंगे एक कूलाम, एक कूलाम, कूलाम आवेश की वह मात्रा है, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो अपने से एक मीटर की दूरी पर, अपने से एक मीटर की दूरी पर, अपने से एक मीटर की दूरी पर रखे सजातीय, सजातीय का मतलब क्या, दोनों की प्रकृति हमने एक ही मान ली थी, दोनों की प्रकृति हमने एक ही मान ली थी, जब एक ही प्रकृति के हो गए तो उनको हम लोग क्या कह लेंगे, सजातीय आवेश। एक मीटर की दूरी पर रखे सजातीय आवेश को 9×10⁹ 9×10⁹ न्यूटन के बल से, प्रतिकर्षित करे, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो अपने से एक मीटर की दूरी पर रखे सजाती आवेश को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, एक कूलाम आवेश कहलाता है। अब जरा बात समझ लेंगे आकर के भाई, देखिए हमने यहाँ पर कहा कि प्रतिकर्षित करें, आकर्षित की बात क्यों नहीं की हमने, ये भी तो बात आएगी भाई कि हमने आकर्षित की बात क्यों नहीं की, हमने कहा कि इतने बल से प्रतिकर्षित करे। तो देखिए भाई एक बात जरा समझ लेंगे आकर के, आपको बताया गया था कि जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश के बीच बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। और जब असमान आवेश होते हैं, अलग अलग होते हैं, असमान आवेश होते हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कैसा होता है, आकर्षण का बल होता है। ठीक, वो बल आकर्षण का होता है। अब अच्छा जरा बात यहाँ पर देखिए, हमने इन दोनों आवेशों को तो बराबर, परिमाण भी इनका बराबर कर लिया था, और सजातीय आवेश भी कहा। सजातीय का मतलब क्या हो गया कि एक ही जाति वाले, एक ही जात का मतलब क्या हो गया कि या तो दोनों धनात्मक होंगे या फिर दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, यही बात हुई ना। तो हमने क्या कहा भाई यहाँ पर कि सजातीय आवेश को
इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो सीधी सी भाई बात है कि यदि आवेश सजाती हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो भी हमारा कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो समान आवेश था इसीलिए कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक, तो ये तो बात हो जाती है हमारे किसकी, एक कूलाम आवेश की। ये बात किसकी हो जाती है भाई, एक कूलाम आवेश की ये बात हो जाती है। अब हम लोग को आगे देखें क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। आगे किसके बारे में पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। देखिए भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्योंकि चैप्टर हमारे चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम था क्या, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत आवेश के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, वैद्युत आवेश के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी तक जो नहीं पढ़ा है वो किसके बारे में नहीं पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ा है। तो चलिए इसकी भी बात हम लोग करते हैं, आकर के हेडिंग डाल लेते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड डाल लेते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए कोई भी आवेश होता है, कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश, मान लिया ये कोई आवेश हो गया, अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। अब देखिए ये जो आवेश होगा ये हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यदि उसमें कोई परीक्षण आवेश लाया जाता है। ठीक, आवेश किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं। देखिए अगर ये मान लिया हमारा ये इस तरीके का, इसमें अगर हम कोई परीक्षण आवेश लेकर के आ रहे हैं, यह आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। हम जो परीक्षण आवेश को हमने मान लिया कि Q0 है, परीक्षण आवेश को हमने क्या मान लिया, Q0 है कोई परीक्षण आवेश। यदि हम कोई परीक्षण आवेश इसमें लेकर के आ रहे हैं, अगर इसकी भी प्रकट धनात्मक हुई, इसकी भी प्रकट धनात्मक हुई, तो इन दोनों के बीच जो बल लग जाएगा प्रतिकर्षण का हो जाएगा, क्योंकि समान जब आवेश हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा। यदि एक के पास धनात्मक आवेश होगा और एक दूसरा लेकर के आ रहे हैं ऋणात्मक आवेश वाला लेकर के आ गए, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण का बल होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के, कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, जिसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक, क्या कहा हमने, यदि इसमें कोई परीक्षण आवेश को लेकर के अगर हम जाते हैं, तो उस परीक्षण आवेश को ले जाने पर यदि उसके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का कोई बल लग रहा है,
तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वो क्षेत्र कैसा होगा, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, वो क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ में सभी के आ रहे, भी कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यदि इसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे आकर के विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे हम लोगों को पढ़ लेना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिएगा भाई आगे हमें पढ़ लेना है किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल जिसको हम लोग क्या कहेंगे, F, वैद्युत बल की बात की जा रही है यहाँ पर, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश बोले तो क्यों नॉट, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा देखिए क्या बताया हमने, देखिए कहेंगे किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये क्या हो गया, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे क्यू नॉट, जो क्या हो गया परीक्षण आवेश, और इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लेते हैं। तो क्या कहा हमने, किसी भी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए भाई, इसका मात्रक क्या होता है, तो जरा बात समझ लीजिएगा, कहेंगे इसका मात्रक क्या होता है, ये हो गया न्यूटन और ये क्या हो गया कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन। तो अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक कहेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर राशि की बात की जाए, यह कैसी राशि है, तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसके लिए दिशा निश्चित रहती है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। और अगर विमा की बात कर ली जाए तो भाई विमा भी हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। देखिए बल की विमा बताई गई थी आपको क्या होती है, MLT-2, बल की विमा होती है MLT-2, और आवेश क्यों की विमा आपको बताई गई थी क्या होती है AT। जरा इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, MLT-3A-1, ए को ऊपर लेकर के जाएंगे -1, टी ऊपर से 2 हैं, एक और जाएगा -1, -3 हो जाएगा, और ये कुल मिलाकर के इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसके मात्रक की अगर बात करें, कहेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है,
रास एक प्रकार की सदिश रास होती है। विमा कहेंगे इसकी विमा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन होती है। फिलहाल इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। आगे जो है हम लोग बात करेंगे आकर के, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहता है। सभी लोगों को ध्यान दे देना है कि जितनी भी बात आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसको अपनी कॉपी पर भी नोट करते रहिए, ठीक, कॉपी पर भी नोट करते रहिएगा। और यदि पीछे के लेक्चर आपने ना देखे हों तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए और फिर आगे के लेक्चर आप देखिएगा। अब फिलहाल आज के वीडियो में इतना रहता है। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।